अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पिया बेटा, कैसी हो तुम? कबीर और आचल एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं ना? हाँ आंटी, वो दोनों साथ साथ ही थे। लेकिन लेकिन क्या पिया? आंटी वो ये सब मुझसे और नहीं होगा। हाँ? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि उन दोनों से ये सब कुछ छुपाने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। जिस झूठ से किसी की भलाई होती है ना, अरे बेटा उसमें तो पुण्य होता है। या हमारा इतना काम कर दोगी ना? हे अम्बे, बस अब पिया की मदद से कबीर और आचल एक दूसरे के करीब आ जाए, फिर बाकी का काम तो हम संभाल सकते हैं ना? क्या ये क्या हो रहा है? आंचल और मेरे बारे में आप लोगों ने खुद ही फैसला ले लिया? नहीं, और ऊपर से आप पिया का इस्तेमाल कर रही हैं हमारी दोस्ती करवाने के लिए। नहीं बेटा, एक्चुअली वो ऐसा कौन करता है मम्मी? कभी दरअसल ना, हमें आंचल बहुत अच्छी लगी तो हमने सोचा कि अगर तुम और आचल भी एक दूसरे को पसंद करने लगो तो आपने खुद ही फैसला कर लिया। लेकिन इसका फैसला आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को हक नहीं है मेरे भविष्य का फैसला करने का, लेकिन कम से कम मुझे बताइए तो क्यों पीठ पीछे खेल खेलने की क्या जरूरत थी? बेटा हम तुम्हें मम्मी प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी। कभी बात तो सुन। मैं देखती हूँ। यार अगर वो मुझे यहाँ अचानक देखकर अपसेट होगी तो? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो इस सरप्राइज से बहुत खुश हो जाए। I mean, सरप्राइजेस किसको बुरा लगते हैं, राइट? Yes. आयशा बेटा, ये देख, आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। भूत बनने से पहले बोला तो कर। मॉम ये ना फेस पैक है, तुम भी ना। हेलो पिया, अभी अपने घर का दरवाजा खोलो। क्यों? मैं तुम्हारे बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ और मैं ऊपर आ रहा हूँ। क्या? अरे ऐसे कैसे सरप्राइज? मैं योगा कर रही हूँ। वाओ यार, मुझे भी सिखा देना, मैं अभी तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर आ रहा हूँ। ओके? नहीं मतलब तुम ऊपर मत आओ, मैं नीचे आती हूँ। ओके बाबा। क्या करूँ? आयशा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ आयशा, भगवान, अरे 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 अरे, संभाल संभाल, ये कैसा दौरा पड़ा है तुझे? अभी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं बाद में बताती हूँ, बाय बाय बाय। अरे चप्पल तो पहन कर जा। चप्पल? अब चप्पल कहाँ है मेरी? अरे चप्पल हाथ में पहन लिए तूने? क्या क्या हो रहा है सड़की को? मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हें परमिशन लेने की कब से जरूरत पड़ गई मिस इंटेलिजेंट? तुम तो अपनी मर्जी की मालिक हो, जो चाहे वो करो, वैसे भी तो वही करती हो। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तो और कैसे बिहेव करूं? तुम खुद को मेरी दोस्त कहती हो ना, एक दोस्त अपने दोस्त को इस तरह धोखा देता है, चीट करता है। तुमने मुझे बिना बताए
मम्मी और पई के साथ मिलके मेरे और आंचल के बीच, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। I'm really sorry, कबीर, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह पता चले। And believe, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने वही किया जो नीता आंटी और सविता आंटी ने मुझसे करने को कहा। प्रिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी और फई क्या सोचती, मुझे प्रॉब्लम इससे कि तुमने मुझसे बात छुपाई। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि दोस्ती में ऑनेस्टी होनी चाहिए एंड ऑल, नॉनसेंस। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला कभी। लेकिन सच भी तो नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि आंचल एक बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। What nonsense, पिया। तुम्हें एहसास भी है कि आंचल और मैं जब भी मिलेंगे तो मैं उसके सामने कितना awkward फील करूंगा। Come on, कभी। ये तुम भी जानते हो कि कभी ना कभी तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर देंगे, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई ये बताओ। तो सच तो तुमने भी कहां बताया अब तक? मैंने कौन सा सच नहीं बताया? मैं सुबह से देख रही, तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात चल रही है जो। ऐसी कोई बात नहीं है मिस इंटेलिजेंट। अच्छा, तो फिर नीता आंटी और सविता आंटी पर तुम इतना नाराज क्यों हुए कबीर? आई एम श्योर कि आंचल और तुम्हारे रिश्ते को लेकर तुम इतने नाराज नहीं हो। बात कुछ और है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो मिस इंटेलिजेंट। मेरी इस नाराजगी की वजह तुम हो। मैं? कैसे? पता नहीं क्यों। देखो, हमारी अभी अभी दोस्ती हुई और अब जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहीं खो रहा हूँ। कबीर, नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते टूटते तो नहीं? मेरी शादी फिक्स हुई है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहूंगी। और अगर तुम इस बात से परेशान होकर नीता और सविता आंटी पर इतने नाराज हुए तो एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम गलती कर रहे हो कबीर, क्योंकि वो बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जबरदस्ती किसी को लाइक करो, लेकिन तुम आंचल से दोस्ती करने की कोशिश तो कर सकते हो ना, प्लीज। ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस। किधर घुस रहे हो? चलो बाहर। तुम्हें पता है कि मैं किसकी बेटी हूँ? देखो, तुम चाहे किसी मंत्री की बेटी हो या संतरी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर चलो। और अगर मैं कहूँ कि मैं गंगा बहन की बेटी हूँ तो? तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम गंगा बहन ने तुम्हें नौकरी पे रखवाया था। अभी फोन करके तुम्हें नौकरी से निकलवाऊं? नहीं नहीं बहन, गलती हो गई। तो अभी जाओ, वहाँ गेट के पास खड़े रहो और जैसे ही मुझे देखो ना, ऐसे सलाम ठोकना। जी। जाओ। सलाम मैडम, आपकी मम्मी जी कैसी हैं? हाय अक्षय। हेलो। तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है क्या? गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं एसी के बाहर कितना कम निकलती हूँ बाहर। आयशा, तुम्हें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। वही तो। एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर चलते हैं, आराम से एसी में बैठ के बात करेंगे। नहीं अक्षय, वो तुम उस गार्ड को देख रहे हो? वो गार्ड जो अभी भी सलामी पोजीशन पे खड़ा है, वो ना मेरी मॉम का बहुत बड़ा चमचा है,
अगर मैं तुम्हें अंदर लेकर गई ना तो सीधे मेरी मॉम को फोन मिलाएगा और मेरी मॉम को बता देगा कि मैं तुम्हें अंदर लेकर गई थी। फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तुम ऊपर जाओ और मैं 10 मिनट में अदिति के साथ आता हूँ, और अदिति साथ में होगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, राइट? हाँ, राइट। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए इतने क्यों डेस्परेट हो रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आयशा, और तुम्हारे बिना एक एक पल गुजार तो सकता हूँ लेकिन जी नहीं सकता। अक्षय, क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? बाय। बाल बाल बचे। I'm sorry भाई, मुझे इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था। दरअसल बेटा, गलती हमारी है, हमें तुझे बता देना चाहिए था, लेकिन वो तुम्हारे एग्जाम्स आ रही है ना, इसलिए नहीं बताया। कभी बेटा, आचल तुम्हें पसंद तो है ना? आंटी, वो अभी अभी जान पहचान हुई है ना कबीर और आचल की, इसलिए थोड़ा। लेकिन कबीर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आचल और उसकी दोस्ती को एक और मौका देगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। थैंक यू पिया, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ बेटा, जाओ। अरे पिया, तुम्हारे भी एग्जाम्स आ रही है ना, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? एक्चुअली इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहती थी। वो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। कुछ दिनों में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला एग्जाम्स की तैयारी करने का, इसलिए। अगर इस काम की वजह से तुम्हारे पढ़ाई पे असर पड़े ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें जितनी छुट्टी चाहिए तुम ले सकती हो। बाय। तुम तो ऐसे सबको बाय कर रही हो जैसे फिर कभी मिलने ही नहीं वाली हो। कॉलेज में तो मिलोगी ना, और फिर एग्जाम्स के बाद यहाँ वापस भी तो आओगी। ऑफ कोर्स मिस्टर एनीथिंग, मैं आई थी सिर्फ अपनी माँ की जगह, लेकिन इतने दिनों में ऐसे लग रहा है जैसे मेरी खुद की जगह यहाँ बन गई है। इतनी तकलीफ हो रही है यहाँ से जाते हुए, मैं सबको बहुत मिस करूंगी। मिस करने की कोई जरूरत नहीं है मिस इंटेलिजेंट, जब भी मन करे तुम आ सकती हो, मेरी दोस्त हो। बाय कबीर, एंड थैंक यू मिस्टर एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग।
हाँ? क्या हुआ? मम्मी काफी रात हो गई है और पिया अकेले जा रही है तो मैं उसे छोड़ा। हाँ हाँ जरूर बेटा। मिस इंटेलिजेंट तुम कुछ भूल गए हो क्या? वो बहुत लेट हो गया था ना, मैंने सोचा तुम्हें घर तक छोड़ दूं, लेकिन थैंक्स कबीर, लेकिन मैं हिमेश के साथ जा रही हूँ, वो यहीं से गुजर रहा था तो मैंने इसे मुझे पिक करने बुला लिया। हाँ मोटा भाई टेंशन नहीं, रिक्शा भारी खड़ी है। कंग्रेचुलेशन तुम लोगों की शादी तय हो गई ना। अरे हाँ थैंक यू वेरी मच मोटा भाई, थैंक यू वेरी मच। तुम कितने लकी हो यार, तुम्हें पिया जैसी लड़की मिली है जीवन साथी के रूप में। ये बात 100% सही कही आपने। बचपन में पिया की फ्रेंडशिप मिली और अभी इसकी लाइफ टाइम पार्टनरशिप। यह बहुत स्पेशल है हिमेश, ये रिश्तों को निभाना जानती है क्योंकि ये रिश्तों की वैल्यू को समझती है। जहां एक तरफ दोस्त बनके ये हंसाएगी, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें फिलोसोफर बनके जिंदगी के मायने भी समझाएगी। अगर गलती करो तो गलती का एहसास भी दिलाएगी, लेकिन अगले ही पल उस गलती की सजा से भी बचा लेती है। इसका ध्यान रखना है हिमेश। हाँ। क्योंकि ये मेरी सबसे स्पेशल फ्रेंड है। इतनी तारीफ कर ली तुमने मिस्टर एनीथिंग, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जितना स्पेशल तुम मुझे समझते हो उतना ही स्पेशल तुम मेरे लिए हो। और जो बात तुम हमेशा कहते हो ना वो बात मैं कहूं, इस तारीफ के बदले तुम चाहे जो भी मांग लो, एनीथिंग। हिमेश मैंने तुझसे कहा था ना कि कबीर हर बात पे कुछ भी देने को तैयार हो जाता है, एनीथिंग। अब मैं चलती, बाय। चले पिया। हाँ। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। बाय।